गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल, और ये हमारा ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है लास्ट डे। एक दो रेड्स और हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएंगी। अभी गाइस, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में तो देखा ही होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा बेस रेड मारा था एंड उससे अपने को काफ़ी ज़्यादा सामान मिला। तो मैड मैक्स भाई सेल्फ करके इनके बेस के पास गए, उन्होंने देखा यहाँ पे तो एक ही बंदा ऑनलाइन है और मैड मैक्स भाई ने आधा बेस यहाँ पे उनका खोल भी दिया। तो मैं जो है ना फटाफट से अपने बेस से निकला गाड़ी लेके, क्योंकि उनको कवर देने के लिए तो कोई ना कोई चाहिए ही था। एंड फाइनली यहाँ पे हम लोग उन बंदों के बेस में पहुँच चुके हैं जो कि हमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैंप कर रहे थे। एंड आज ही है ना गाइस, हम लोग उनसे अपना पूरा का पूरा बदला निकालने वाले। आई थिंक गाइस मैड मैक्स भाई ने बेस तो ऑलमोस्ट खोल ही दिया है एंड बस जो है ना मुझे यहाँ पे मैड मैक्स भाई को कवर करना है। बॉम्ब की आवाज आ रही है, लेट्स गो। फटाफट से बैक प्लेस करता हूँ, अगर मैं मरता भी हूँ तो यहाँ पे स्पॉन हो जाऊंगा। तो जैसी गाइस यहाँ पे पहुंचा मैं एंड बंदा जो है ना बेस रिपेयर करने के लिए ऊपर से नीचे कूदा। एंड देखो गाइस अभी तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ ना, यहाँ पे गाड़ी में बैठता हूँ एंड मैड मैक्स भाई ने अपने सेफ में बॉम्ब रखे हुए थे, वो रहा बंदा। एंड मुझे पता समझ में नहीं आया यार बंदे के, मतलब बंदा जो है ना बेस डिफेंड कर रहा है एंड लिटरली गाइस बंदे के पास ना ही वुड है, ना ही कुछ है और ना ही गन्स है। लगता है इन बंदों ने जो है ना इस बंदे को टर्फ वगैरह नहीं दिया था, इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे बेस वगैरह रिपेयर नहीं कर पाया। एंड मैड मैक्स भाई के जो सेफ में बॉम्ब थे अभी उनके बॉम्ब्स खत्म हो चुके हैं। तो मैड मैक्स भाई ने बोला मैं फटाफट से यहाँ पे सेल्फ करता हूँ, बेस जाता हूँ एंड बॉम्ब्स वगैरह लेके आता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मैं जो है ना उसे यहाँ पे बेस रिपेयर नहीं करने दूंगा। ये बंदा जो है ना गाइस बार बार आ रहा था पीछे के रास्ते कि वो बेस एटलीस्ट रिपेयर तो कर सके, बट उसे जो है ना यहाँ पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो अभी देखते हैं, मैंने डिसाइड करा चलो मैड मैक्स भाई को मैं एक एक्स्ट्रा बैग देता हूँ एंड जल्दी से वो यहाँ पे आ जाएंगे तो बॉम्ब्स वगैरह लगाना स्टार्ट करेंगे। बट मुझे जो है ना गाइस बंदे को अंदर नहीं घुसने देना, अगर उसे यहाँ पे गन्स मिल गई तो डेफिनेटली अपने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड गन्स तो मिले तो कोई बात नहीं, बट बंदे के पास आई थिंक गाइस टर्फ नहीं था। अगर टर्फ रहता तो डेफिनेटली यार वो बेस रिपेयर करता या फिर ऑटो कैनन वगैरह लेके आता। बट लेट्स सी वो बंदा ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर क्या कर रहा है आई डोंट नो गाइस। वैसे इसने रूफ तो तोड़ा है तो डेफिनेटली टर्फ रहा होगा, तभी वो रूफ तोड़ा है ऊपर से। तो मैंने मैड मैक्स भाई से बोला कहाँ पे हम बॉम्ब लगाएं, तो मैड मैक्स भाई को लगा कि कैबिनेट में भी उधर के साइड हो सकता है। बट वहाँ पे गाइस अपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती हुई। वो क्या था, अपने को वहाँ पे नहीं, अपने को यहाँ पे का टाइटेनियम का डोर तोड़ना था। बट कोई नहीं गाइस, अपने पास बॉम्ब बहुत ज़्यादा है तो चलेगा। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने तोड़ा बट वहाँ पे रूफ था तो हमें लगा डेफिनेटली क्या पता रूफ के नीचे कैबिनेट होगा। बट कोई नहीं, बंदा के फुट स्टेप्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली बंदा कूदेगा तो ज़रूर। तो मैड मैक्स भाई के पास गन्स वगैरह तो है नहीं, तो वो जो है ना गाइस एवी बॉम्ब लगाने में लगे हुए। ठीक है भाई, आया बंदा, वो रहा देखो क्या कर रहा है भाई। लगता है गाइस वहां पे जो है ना उसके पास कुछ ना कुछ वुड वगैरह रहा होगा एंड इसीलिए जो है ना वो बेस रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था। बट यार उसे अपने को बेस वगैरह रिपेयर नहीं करने देना है। ओके, सो यहाँ पे गाइस अपना एक और सब्सक्राइबर आ चुका है जो कि डेफिनेटली अपने को कवर देगा। तो मैं ऐसे करता हूँ ना, एक बार अंदर चल के देखता हूँ अंदर का क्या सीन चल रहा है। तो हमें लग रहा था डेफिनेटली कैबिनेट जो है ना उस रूफ के नीचे होगा, बट बाद में पता चला यार उस रूफ के नीचे तो कैबिनेट है ही नहीं क्योंकि हम लोगों ने वो तोड़ा ना। तो वहां पे अपने को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। ओके, तो मुझे लगा यहाँ पे जो है ना अपने को डोर ही तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने मैड मैक्स भाई को बोला कि मैड मैक्स भाई ऐसे कर देना वो डोर तोड़ते हैं, बट यहाँ पे कौन है, ये नंबर वाला लौंडा था ना। हाँ ये नंबर वाला लौंडा ही गाइज, इन्होंने दोनों ने आपस में टीम अप कर लिया था मेरे बेस रेड मारने के लिए, बट सेम टाइम पे जो है मैंने अपना बेस ट्रांसफर कर दिया। भाई बम कहाँ लग रहे थे मुझे समझ में नहीं आया यार, इतने देर से बॉम्ब चल रहे हैं। बट उसके बाद जो है ना गाइस हम लोगों ने डिसाइड करा यहाँ पे हम लोग डोर तोड़ते हैं। लेट्स सी, भाई बंदों ने इतना बड़ा बेस बना के रखा हुआ है बट मेन एरिया जो है ना वो टाइटेनियम का, बाकी सारे का सारा स्टोन का। ओके, थोड़ा सा बचा भाई एक। ओके, बंदा निकला था बाहर बट अपने टीममेट ने बचा दिया। मुझे पता था डेफिनेटली इनके बेस से गाइस अपने को सिंगल बॉम्ब नहीं मिलेगा क्योंकि है तो वही अपने सब्सक्राइबर,
तो इनके वजह से तो बॉम्ब मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्ब हम लोग सारे के सारे सेफ में लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी इसी तरीके से सेफ में बॉम्ब लेके जा रहे होंगे। ओके, थोड़ी सी हेल्थ बची हुई है, बट इन्होंने ये डबल हेल्थ वाला लगाया क्यों है आई डोंट नो गाइस। किस तरीके से ये तो 24 आवर्स ऑनलाइन रहेगा तभी काम करता है, नहीं तो गाइस ये काम बिल्कुल भी नहीं करता। एंड लगता है यहाँ पे कैबिनेट होगा। ओके, एक डोर और है, उसे तोड़ना है, इसके बाद अपने को डेफिनेटली कैबिनेट मिल ही जाएगा। नहीं, एक C4 और लगेगा। तो आई थिंक यहाँ पे लगा दिया है, बस अपने को वेट करना है। चलो गाइस, यहाँ पे डोर तो टूट चुका है, मुझे लग रहा था इसके अंदर ऑटो कैनन होगा, बट यार यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखा गाइस, बंदों के बेस में एक सिंगल ऑटो कैनन नहीं लगा के रखी है। व्हाई, ऐसे क्यों, आई डोंट नो गाइस। तो चलो यार, काफी गंदा लैग हुआ। सबसे पहले तो इनके पॉइंट लेंगे, यहाँ पे ये मैडमैक्स भाई को गाइस काफी ज्यादा पॉइंट दिखा रहे थे, देख हमारे पास 600 पॉइंट है, तो अभी इनके सारे के सारे पॉइंट हम लोग लेके जाएंगे। भैया ऑटो कैनन ये बॉक्सेस में रखी हुई है, वो ऐसे इस तरीके से क्यों रखी हुई है वो मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। बट मैं जो है ना गाइस यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह देख रहा था, मैंने सारे के सारे बॉक्सेस एक एक करके चेकआउट करे, और लिटरली गाइस मेरे को एक भी बॉम्ब नहीं मिला। फिर भी हमें लग रहा था यार थोड़े बहुत बॉम्ब्स किस तरह कैसे ना कैसे गिरे होंगे, बट यार यहाँ पे मेरे को ओनली 3 सेल्स मिले, बट कोई नहीं। यहाँ पे गाइस हम लोगों ने फटाफट से TC प्लेस करे थे, TC प्लेस नहीं हुआ तो मुझे लगा डेफिनेटली बाहर TC होंगे। ओके, ये रहे, अब तो मैं रॉकेट सेल्स ही तोड़ूंगा। एक टीसी तो टूट चुका है, अभी एक दो TC और है जो कि बाहर के साइड होंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं एंड वहां पे भी लगाते हैं हम लोग बॉम्ब और सीधा इसको तोड़ते हैं। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे TC वगैरह तो प्लेस हो जाएगा फटाफट से, जो है ना अब इस बेस को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बंदा दिखा, आई थिंक बॉट था वो, बट वो बंदा किधर गया जो कि बेस रिपेयर कर रहा था। आई थिंक उसका बैग वगैरह टूट चुके हैं एंड TC टूट चुका है, तो वो भी जो है ना लगता है तो है नहीं, मेरे को यहाँ पे स्पॉन होगा दोबारा। तो चलिए फटाफट से TC प्लेस करते हैं, तोड़ते हैं। आई थिंक TC प्लेस हो चुका है, मुझे टर्न भी मिल गया। लेट्स गो, इनको पूरे का पूरा बेस उड़ा दिया है एंड मुझे समझ में नहीं आया वो भाई जो है लेके नहीं आया, भाई क्या ही गंदा लैग हुआ। एंड यहाँ पे गाइस लूट इतना ज्यादा है, बट लिटरली यार एक भी बॉम्ब नहीं मिला। लगता है इन्होंने सारे के सारे बॉम्ब जो है ना सेफ में डाल के रखा हुआ था। वैसे इन भाई लोगों ने 2-3 बंदे को बुलाया जरूर था अपना बेस ढूंढने के लिए, बट यार बेस इतना भी हिडन नहीं था, ओपनली बेस था, बट पता नहीं गाइस इनको दिखा नहीं या फिर इन्होंने रेड मारने आए नहीं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। बट यहाँ पे गाइस एक ओके, मेरे को कुछ सेल्स और मिले, उठा ले तो मैं ये गिराता हूँ हाइट, वुड लेके जाऊंगा क्योंकि गाइस मुझे जो है ना एक बेस यहाँ पे काफी बड़ा है, उसको भी रेड मारना है। सो उसको हम लोग रेड अभी तो नहीं मार पाएंगे, सो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा यार बॉम्ब्स वगैरह बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा बेस है गाइस, उसमें बॉम्ब काफी लगने वाले हैं क्योंकि उस बेस में ऑटो कैनन्स बहुत ज्यादा हैं। तो उसके लिए कम से कम मेरे को 10-15 रॉकेट सेल्स चाहिए, बट लेट्स सी हम लोग करेंगे जरूर। बट इसके बगल में एक बेस और था तो उसको भी रेड करके चलते हैं। ये उन्हीं बंदों का बेस है गाइस जो हमें कैंप कर रहे थे ना, जिनका पिकवुड में बेस था, उसी का बेस है, तो तोड़ता हूँ। तो मैटमैक्स भाई यहाँ पे जो है ना बॉम्ब्स वगैरह लेने के लिए जा रहे, क्या मेरे में कुछ रॉकेट सेल्स थे तो मैंने फटाफट से यहाँ पे रॉकेट सेल्स मारे। ओके चलो ये भी तोड़ता हूँ। ये जो रेड है ना गाइस अराउंड हम लोगों ने 2 बजे के करीब मारा था रात के, क्योंकि हम लोग उस टाइम रेड ही मार रहे थे, बट इनका एक बंदा ऑनलाइन था तो हमने डिसाइड करा चलो मारते रेड। ओके, अभी मैडमस भाई आएंगे फटाफट से जो है ना इसको भी तोड़ेंगे एंड उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग चलेंगे अपने बेस में। और मुझे यार अभी टाइटेनियम बहुत ज़्यादा मिला है और मेरा जो कुछ टाइटेनियम है ना वहाँ पे हम लोगों ने मेल्ट करने के लिए लगाया हुआ है, तो अपने बेस को जो है ना हम लोग पूरा का पूरा टाइटेनियम में कर देंगे। फिर तो गाइस मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना बेस यहाँ पे रेड मार पाएगा। एक बार मैं दोबारा से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्या पता अपने को कुछ सामान वगैरह मिल जाए, बॉम्ब्स वगैरह मिल जाए, तो हम लोग यहीं पे के बॉम्ब से इस बेस को रेड मार के चलेंगे।
सो अराउंड यहाँ पे आपने कितने C4 लगे? लगभग 50 के करीब C4 लगे, सस्ते में निपट गया था भाई। आयरन की चेस्ट मिल गई गाइस मेरे को, मतलब ये बोलते हैं एनर्जी के, एनर्जी आर्मर। ओके पॉइंट छूट गया था, फाइनली यहाँ पे आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, बट अभी भी यार 20 पॉइंट्स गायब है, 20 के जितने भी पॉइंट्स थे ना वो गायब है, तो वो ढूंढ रहे हैं हम लोग। ओके यहाँ पे कुछ चारकोल है, टाइटेनियम 14। तो चलो यार अभी हम लोग फटाफट से जो है ना यहाँ पे जिस बेस को हम लोग पहले रेड मार रहे थे उसको रेड मारते हैं। टीसी तोड़ लिया, फटाफट से टीसी प्लेस करते हैं और चलते हैं गाइस। सो फाइनली गाइस हम लोगों ने उन बंदों को यहाँ पे रेड मार ही दिया है जो कि जिन्होंने अपना बेस रेड मारा था सुबह 6-7 बजे करीब, एंड हम लोगों ने उनका बेस जो है रात को 2 बजे मार दिया इक्वल बाद। तो फटाफट से मैं टीसी प्लेस करता हूँ, तोड़ता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो भाई, भाई वो बोल रहा है रात को सोना मत, तुम्हारा बेस रेड मार दूंगा। ठीक है भाई मार लेना रेड, अपन को बेस रेड मारना था हमने मार दिया है, उसके बाद तुम हमारा बेस रेड मारो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो यार यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा अपने बेस के साइड। ये उन्हीं का ही लग रहा है मेरे को बेस। ओके सल्फर, सल्फर उठा लेता हूँ काम आएगा। चलो तो चलिए गाइस अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा अपने बेस में। ये गाड़ी तो अपना नहीं है, हैली लेके चलें तो? हाँ यार ऐसे करते ना, इनका हैली हम लोग लेके चलते हैं, फ्री का हैली है तो मजा आएगा। भैया आ जाओ भाई, चलो लगता है मैडमैक्स भाई को अभी 100% श्योर नहीं है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली अपने को बॉम्ब्स वगैरह मिलेंगे, बट बॉम्ब्स वगैरह तो यार मुझे लगता है इम्पॉसिबल है मिलना। तो चलो यार मैं ऐसे करता हूँ अपनी गाड़ी जो मैं लेके आया था वही लेके हम लोग चलते हैं। और ये क्या बोलते हैं, सोना मत कल बेस मिलेगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, हम नहीं सोएंगे, अब देखते हैं तुम कर पाते हो, हम तो ठकार के सोएंगे। मुझे बेस की इतनी टेंशन भी नहीं है, मार दो रेड कोई टेंशन, बॉम्ब तो अपना सारे का सारा सेफ में रहेगा ना। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से अपना बेस वगैरह अपग्रेड करेंगे और मेरा टाइटेनियम जो है ना वो और लगभग मेल्ट भी हो गया होगा। आ जाओ मैडम भाई चलते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में, एंड बेस पहुंचते ही अपने को काफ़ी ज़्यादा काम करना है, अपना बेस जो है ना पूरा का पूरा टाइटेनियम में भी अपग्रेड करना है। तो मैं मार्क लगाता हूँ और चलो तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग अपने बेस की लोकेशन में पहुंच चुके हैं और देखो यार मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये जगह गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए यार मैंने डिसाइड करा था कि 71 आवर्स में मैं जो है ना अपना बेस को ट्रांसफ़र करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई तुमने अपना बेस किस तरीके से बनाया, भाई सिंपल बेस ही कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये तो आप लोग भी बना लोगे बंकर एक, बट हाँ टीसी किस तरीके से प्लेस करिए, वो टीसी जो है ना गाइस मैंने आईपैड से प्लेस करा है, तो आईपैड से वो इजीली प्लेस हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। नेट ऑफ़ करो, नेट ऑफ़ में आप लोग सीलिंग वगैरह लगाओ, नेट ऑन करो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हाफ वॉल के अंदर चले जाता है, बट वो ग्लिच है। एंड एंड्रॉयड से गाइस आप लोग दो बंदों से कर सकते हो, दो बंदों से कैसे करोगे, आप लोगों को सेम टाइम पे जो है ना कैबिनेट प्लेस करना है एंड सीलिंग प्लेस करना है, तो उसके लिए आप लोगों को दो बंदे चाहिए अगर एंड्रॉयड से कर रहे हो, अगर iOS से तो वो सिंगल में हो जाएगा। तो चलो यार फटाफट से जो है ना मैं टाइटेनियम देखता हूँ अपने बेस में कितना टाइटेनियम है, बट जितना भी पॉइंट्स वगैरह ना मैं सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट कैबिनेट में डालूंगा और देखते हैं अपने पास कितने पॉइंट्स हो गए। वैसे मैं टाइटेनियम निकाल देता हूँ गाइस अपग्रेड करने में काम आएगा, बट एक बार ही हम लोग अपने डीफी फाइनल में भी देखेंगे कितना टाइटेनियम है, बाकी जितना भी अपने पास सल्फर है ना गाइस मैं यहाँ पे बॉक्स में रखता हूँ और सोने से पहले जो है ना हम लोग इसको पूरे का पूरा टाइटेनियम करके निकलेंगे। रॉकेट सेल्स अपने पास काफ़ी ज़्यादा है तो वो बेस तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, बट मुझे जो है ना C4 बनाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास लगभग ओनली 20 C4s बचे हुए हैं, 60 के करीब लगभग इनके बेस में लगे।
तो भैया देखो कितना टाइटेनियम। ओके गाइस, लगभग 1400 टाइटेनियम यहाँ पे बेल्ट होके रेडी है। तो चलिए मैं फटाफट से जो है ना अपग्रेड करता हूँ अपना बेल्ट। मतलब बाहर से अगर बंदा गाइस अपने बेस को देखे ना, उसे दूर से ही लगना चाहिए कि भाई इस बेस को रेड मारने में बहुत ज़्यादा सामान लगेगा। अंदर का टेंशन है कि कुछ मिलेगा या नहीं। वैसे बॉम्ब्स वगैरह तो मिलना मुश्किल ही है, बट अपने को अपना बेस पूरा का पूरा अपग्रेड करते हुए चलना है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे की सारी सारी वॉल्स तो अपग्रेड हो चुकी हैं। ओके, यहाँ पे का बचा हुआ है, अभी मेरे को सीलिंग भी अपग्रेड करना है इसका। चलो यार ऊपर चलते हैं एंड फटाक से ऊपर वाला सेक्शंस भी अपग्रेड करेंगे। भाई धमकी दी है, क्या बता अपना बेस रेड ना मार दे रात को। थोड़ा सा सिक्योर तो रहना ही है गाइस अपने को। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे की सारी सीलिंग्स तो अपग्रेड हो चुकी हैं, इसको भी अपग्रेड करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई लोग जो है ना बॉम्ब लगाएंगे इसके अंदर, मतलब नीचे की स्टील की सीलिंग तोड़ेंगे। सो मुझे जो है ना अंदर वाली सीलिंग को भी अपग्रेड कर लेना है कि एटलीस्ट अगर यहाँ पे भी बॉम्ब लगाएं तो ज़्यादा ही बॉम्ब लगे। भाई अपग्रेड क्यों नहीं होता इधर का। ओके, यहाँ पे से हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, वहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। अभी मेरे को वहाँ पे का अपग्रेड करना है, बट वहाँ पे का कैसे होगा तो मैं ऐसे करता हूँ, ऊपर चढ़ता हूँ, वहाँ पे अपन लोग लगाएंगे सीलिंग, उसके बाद यहाँ पे से हम लोग इजीली अपग्रेड कर लेंगे। ठीक है, नहीं इस तरीके से ऊपर चढ़ता हूँ यहाँ पे से। चलो गाइस इसको अपग्रेड करते हुए चलो। भाई मतलब 4x4 का पूरा टाइटेनियम। भाई यहाँ पे प्लेस करना है बट हो नहीं रहा है। ओके हो गया, चलो अपन लोग इधर का भी इजीली अपग्रेड कर लेगा। ओके, लगभग सारा का सारा अपग्रेड हो चुका है बट यहाँ पे बचा हुआ है। तो चलिए गाइस फटाफट से इसको भी अपग्रेड करते हैं और आ जाएगा मजा। ठीक है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे से तोड़ता हूँ और उधर लगाएंगे नहीं यहाँ पे। लगभग गाइस अपना बेस जो है ना वो पूरा का पूरा अपग्रेड हो चुका है एंड अब टाइम आ चुका है यहाँ पे से ऑफलाइन जाने का। तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे जो अपना मेन डोर है ना वहाँ पे डोर्स वगैरह तोड़ के वॉल लगा दूंगा कि अगर कोई भी रेड करेगा। एक बार ही गाइस सोचिएगा तो ज़रूर यार, यहाँ पे वॉल है भाई, दिमाग ख़राब हो जाएगा बंदे का इतने C4 लगाने में। भाई मेरा ही खुद दिमाग ख़राब हो जाता है टाइटेनियम बेस देख के गाइस, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है 2x2 की। मतलब 2x2 को भी रेड मारने में गाइस बहुत ज़्यादा बॉम्ब लगता है भाई यहाँ पे। ओके, सो लगता है जहाँ पे हम लोगों ने कैबिनेट प्लेस किया था ना अभी, जहाँ पे हमने एक रेड मारा तो बंदा वहाँ पे सामान वगैरह उठाने के लिए एंड वहाँ पे जो है ना उसने मेरे ख्याल से सामान वगैरह उठा के ले गया होगा। तो ठीक है गाइस, लगभग आई एम रेडी, इसको भी अपग्रेड करता हूँ सारे के सारे डोर। इतना नहीं है गाइस अपने पास टाइटेनियम कि मैं एक बार कैबिनेट से डायरेक्ट अपग्रेड कर सकूं, तो मेरे को सारे के सारे मैनुअली अपग्रेड करना पड़ा। बैठा काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोलते हैं कि भाई ऑफिशियल सर्वर स्केल, तो यार मेरे में इतना टाइम नहीं है बट मैं जस्ट जो मेरे को थोड़ा स्पेयर टाइम मिलता है
तीन घंटे साढ़े तीन घंटे, उसी में मैं थोड़ा सा ग्लोबल खेलता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं तो यार आपको भी रिकमेंड करूँगा यार, फालतू टाइम बर्बाद करने से तो बढ़िया है यार, अपना खेलो मजे लो और निकलो। तो मेरा सारे का सारा सामान अपग्रेड हो चुका है, ठीक है गाइस, अभी इसको भी अपग्रेड कर लेता हूँ। ये सीलिंग क्या छोड़नी गाइस, जब सारी अपग्रेड कर दिए तो इसको भी कर देते हैं, डोर भी कर दो साथ के साथ। भाई यहाँ पे डोर बचा हुआ है, डोर लगाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे एक डोर लगाता हूँ, बट डोर तो लग नहीं रहा है। आई थिंक ये रूफ तोड़ना पड़ेगा। तो चलो यार मैं ऐसे करता हूँ ना, रूफ तोड़ता हूँ फटाफट से। यहाँ पे डोर लगाएं कि वॉल लगाएं? नहीं यार ऐसे करते हैं ना, अपन लोग डोर ही लगाते हैं। टाइटेनियम का डोर तोड़ना कोई मामूली बात है नहीं, है ना, तो डोर लगाना ही बेटर रहेगा। तो मैंने बॉक्स यहाँ पे लगाया, एंड आराम से गाइस हम लोग सीलिंग लगाएंगे और फटाक से डोर भी लगा लेंगे। पहले एक टाइटेनियम देखता हूँ, फिर उस हिसाब से देखेंगे अपने को कैसे करना है, अपने कैबिनेट में कितने घंटे का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस के हिसाब से चलेंगे गाइस अपन लोग। लगभग 109 घंटे यार, टाइटेनियम तो काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट करके जो है ना, अपन लोग डोर लगा के उसे टाइटेनियम का ही कर देते हैं। ओके डोर लगाया फटाफट से। ओके यहाँ पे 20 पॉइंट से जो छुटे हुए, आई थिंक अपना सब्सक्राइबर लेके आ चुका है उसको वहाँ से। तो ठीक है गाइज लॉक लगाता हूँ फटाफट से यहाँ पे, और मेरा बेस गाइज अब फाइनली बन के रेडी हो चुका है। ये तो मैंने ओनली सिंगल के लिए बनाया था, आई मीन दो बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बड़ा बेस बना के गाइज मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है, जैसा हम लोग नहीं बोलते भाई इतना बड़ा बड़ा बेस बनाओ। बड़ा बेस बनाने के लिए गाइज मेंटेनेंस भी तो चाहिए, इतना मेंटेनेंस कहाँ से लाएंगे। द 2x2 इज सफिशियंट फॉर सोलो डुओ, क्लिक 2x2 गाइज बेटर है। तो चलो यार लगभग अपन लोगों ने पूरा का पूरा काम कर लिया है, बेस को भी अपग्रेड कर लिया है, एंड अब टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे चलते सीधा ऑफ। ऑफ जाने से पहले मुझे गाइस वो करना है, जो अपना सीलिंग है ना उसे पूरा का पूरा टाइटेनियम में करके अपना बंकर को जो है ना पूरा पैक कर लेना है। अगर जो रेड करेगा भैया उसके तो हालत ख़राब हो जाएगी बॉम्ब लगाते लगाते। मेरा तो प्लान है मतलब बम खराब, मतलब हालत ख़राब कर देंगे गाइस उसकी। तो चलिए गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मत करें तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।